जेम एग्ज़ाम 22 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया है अन अकेडमी पे। आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू। आपको फ्री में क्लासेस मिल जाएंगी। जो सिलेबस है वो आपके केमिस्ट्री से काफ़ी रिलेट करता हुआ है एमएससी के से। साथ ही साथ आप फिजिक्स में या बायोटेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, किसी में भी करना चाहते हो, सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप केमिस्ट्री की ज्वाइन करना चाहते हो तो सेम सिलेबस है, तो वो आपके लिए एमएससी के लिए भी यूज़फुल है। फ्री में क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ही कोर्सेज हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके फ्री में भी उन क्लासेस को वॉच कर सकते हो। आपको सिर्फ लिंक के थ्रू वॉच करना है। कूपन कोड है BWB10, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपके लिए जो क्लासेस हैं वो फ्री में ओपन हो जाएंगी एंड आप अपने टीचर्स के थ्रू क्लासेस को ले सकते हो। अन अकेडमी पे आपको फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप अन अकेडमी पे किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या आपका फिजिक्स भी है। सो प्लीज गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री क्लासेस के लिए या एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो BWB10। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा या फ्री में क्लासेस आपके लिए ओपन हो जाएंगी इस कूपन कोड को यूज़ करते ही। गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एक की पॉइंट आपके सामने होंगे जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट टॉपिक से, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक आपका सिर्फ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही इससे आते हैं, लॉन्ग टाइप के नहीं आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 to 15 ईयर के अनसोल्ड पेपर देखोगे तो ये सभी टॉपिक आपको उसमें शॉर्ट, लॉन्ग या वेरी शॉर्ट, जैसे भी पैटर्न है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ उसी से मिलेंगे जरूर। सेकेंड है आपका कार्बोकेटायन्स। कार्बोकेटायन आपका लॉन्ग में भी आता है एंड शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में आएगा तो आपको मटेरियल ज्यादा देना है एंड शॉर्ट में आएगा तो आपको शॉर्ट मटेरियल कर देना है इसमें। थर्ड वन इज हकल्स रूल। हकल्स रूल काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। अगर आप चेकआउट करते हो मेरी क्लासेस को, ओल्ड क्लासेस, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको ये सभी टॉपिक्स पे क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है जिसमें मेरे हैंडमेड नोट्स भी हैं, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ वन इज हैमेट इक्वेशन। हैमेट इक्वेशन सेम आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी है एंड ऑर्गेनिक में भी है। ये बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको लॉन्ग में ही इसका मटेरियल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज एरोमेटिसिटी फॉर एनिवलीज। ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप का है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कौन सा लॉन्ग में आ रहा है, कौन सा शॉर्ट में। तो इसका मटेरियल आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो लॉन्ग में भी आप प्रिपेयर कर सको एंड शॉर्ट में भी। नेक्स्ट वन इज कार्बनायन। कार्बनायन एंड कार्बोकेटायन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर आपने एक को अच्छे से कर लिया तो सेकंड आप इजीली कर लोगे एंड वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। क्लासेस सभी टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेज एंड कार्बेन्स। ये सेम आपके एक ही यूनिट से है एंड ये फोर पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल जाते हैं। नेम है आपका क्राउन ईथर। क्राउन ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम फिजिकल केमिस्ट्री में भी है एंड इसमें भी है। क्राउन ईथर आपका ग्रेजुएशन में भी है, तो क्राउन ईथर आपका लॉन्ग टाइप का एंड शॉर्ट टाइप का दोनों आता है। मटेरियल इतना ज्यादा इजी एंड इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप एक बार इसे लॉन्ग में कर लेते हो तो आपके 8 to 10 मार्क कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ इस एक टॉपिक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको इसमें से 80% टॉपिक नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये की पॉइंट है आपके सामने कि आपको क्लियर इमेज रहे कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, ये सभी आपको इसमें करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम एंड एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों पे मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, आपको वो चेकआउट करने हैं। ये भी लॉन्ग टाइप का है, ये भी लॉन्ग टाइप का है। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप से आ जाता है, डिपेंड करता है पेपर की कंडीशन पे। नेक्स्ट वन इज PMO अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी। लॉन्ग टाइप का है क्योंकि डिटेल्स वहां पे लिखा हुआ है। ओके, असिस्टेंट एंड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, तो नेबरिंग ग्रुप को आपको बहुत अच्छे से करना है। सेम लॉन्ग टाइप का ही क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। देन है रेजोनेंस एनर्जी, ये आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देन है इंक्लूजन कंपाउंड, सेम ये भी आपका लॉन्ग या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। इंक्लूजन कंपाउंड काफी ज्यादा इजी है, ग्रेजुएशन में भी टॉपिक है, मेरे चैनल पे देखोगे तो क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट भी चेकआउट आप कर सकते हो एंड सभी सब्जेक्ट के आपको इसी टाइप से क्लासेस मिल जाएंगी। देन है बेंजीन्स। बेंजीन्स की ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन के बेंजीन्स कैसे होते हैं, उन्हें आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सभी आपको इसमें करनी है एंड लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन है। देन है नेक्स्ट आइसोमर, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। सेम टोटोमेराइज या टोटोमेराइजेशन दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं एंड देन ये शॉर्ट भी है
लॉन्ग भी है एंड वेरी शॉर्ट भी है, तो आपको मटेरियल इसका इतना चाहिए कि आप उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन को भी कर पाओ, एंड शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में आ जाता है तो आप कैसे भी उसे अटेम्प्ट कर ही सकते हो, क्योंकि अगर लॉन्ग का मटेरियल आपने किया है तो उसमें शॉर्ट में आप उस मटेरियल को कम करके लिख सकते हो। तो ये आपके सामने क्लियर इमेज थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि कौन सी बुक में से कितने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप अगर बुक देखोगे ऑर्गेनिक की तो वो तो काफी ज्यादा टफ आपको लगेगी और उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बट आपको फोकस करना है की पॉइंट्स पे। अगर कंप्लीट बुक को करके चलोगे तो आपके 50% मार्क्स होंगे, बट अगर आप की पॉइंट्स पे फोकस करते हो लास्ट 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है मार्क्स अच्छे से गेन करना। सो आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसी टाइप से सभी सब्जेक्ट एंड सभी सेमेस्टर की क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट द लिंक।